में भी यही आपकी भली हुई है, अच्छे से बच्चों के नाम से भाई अच्छा हो बच्चे सर यहाँ पे कैमरा वाले लोग इधर आए, आप लोग इधर आए। बता के शायद कुछ सर नहीं ठीक है सामने का देगा तो सुनिए हाँ फिर फ्रंट हो पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छी स्कीम्स हैं सेविंग्स बैंक साइड में भी और मेलिंग के लिए तो है ही। अभी हम लोगों ने कल ही मिनिस्टर हमारे मंत्री महोदय ने नया एक सेवा चालू की है जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट की, जो अभी तक केवल टेस्ट उसमें चल रहा था। तो कल 16 तारीख को सूरत से मुजफ्फरपुर के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेन पार्सल ट्रेन चल रही है 1 से 20 और उसमें 20 टन जो पार्सल्स हैं वो सूरत से चल के नारायणपुर आएंगे। तो मेरे को लग रहा है कि हम जिस तरह से अलग अलग लॉन्च कर रहे हैं सर्विसेज, वो सभी सर्विसेज हमारे जो जन जन के लिए और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी साबित हो रही है। तो आपके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि आप सभी तरह की सर्विसेज यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सर मीठापुर में भी और आपके कितने डाकघर हैं पहले से? कोई नहीं है, ये पहला है। अच्छा, यहाँ से नजदीक में तो जीपीओ है और उसके बाद ये था पहले से, लेकिन उसकी जो लोकेशन थी वो उतनी कन्वीनियंट नहीं थी पब्लिक की। और मेरे को लग रहा है कि जैसे आप सब लोग यहाँ के हैं और जानते हैं, ये पूरा जो एरिया है एक एजुकेशनल हब के रूप में उभर के आ रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन के, तो उसके लिए हमें लगा कि इसको ऐसी जगह पे स्थापित करें जहाँ से कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को और जो जनरल पब्लिक है उसको भी सुविधा हो पोस्टल सर्विसेज को लेने के लिए। तो ये हम शुक्रगुजार हैं यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के और यूनिवर्सिटी के कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी लोकेशन हम लोग को दिया है। और इसमें हम ये एक बड़ा पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे कि सभी सर्विसेज अवेलेबल होंगी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है, IPPB है और हमारी पोस्टल रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं सब यहाँ पर उपलब्ध हों। तो मैं आपके थ्रू बोलना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बात को फैलाएं कि ये नई लोकेशन है, अच्छी जगह है और सुविधा के लिए बहुत अच्छे से पोस्टल डिपार्टमेंट की कमिटमेंट को बताता है कि हम अपने पोस्ट ऑफिस को ज़्यादा कन्वीनिएंट, ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए एकदम तत्पर है और आगे भी करते रहें। किसान योजना का यहाँ से लाभ मिल सकता है? हाँ, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप अकाउंट खोलना है IPPB का, आप अकाउंट खोल लीजिए, उसमें आधार अपना लिंक कर दीजिए, तो आपको अगर वो सम्मान निधि आती है तो वो उस अकाउंट में आ जाएगी। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहाँ पे अकाउंट खोलना है जी, जी। आप अगर उसके एलिजिबल है, आपका अकाउंट में DBT लिंक होना चाहिए और वो मिल जाएगा। स्टूडेंट के लिए क्या प्रेफरेंस यहाँ पे सर? स्टूडेंट के लिए मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे हैं। वो लोग अपना डिजिटल बैंकिंग के लिए IPPB अकाउंट खोल सकते हैं और जो नॉर्मल बैंकिंग है, जो उनका अकाउंट है वो उससे लिंक करके उन लोगों को पैसा उसमें मिल सकता है, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा जो IPPB है उसके थ्रू वो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स भर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फ़ीस दे सकते हैं और अगर उनको कोई चीज़ यहाँ से भेजनी है, एप्लीकेशन या कुछ और, तो वो यहाँ से वो भेज सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक लोकेशन है
वो यहाँ के इस इंस्टीट्यूशन के और बाकी सबके भी बच्चे यहाँ पे आके पोस्टल सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। यहाँ के आसपास के लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पोस्टल तो सबके लिए है। सर किस किस इलाकों को कवर करेगा? ऐसे तो उप डाकघर आपके और भी होंगे, लेकिन यहाँ पे खुला है तो किस किस इलाकों को कवर करेगा? एक्चुअली वो और डाकघर है, इसीलिए हम लोग को लगा कि हम एक इसको थोड़ा सा रिलोकेट कर दें। एक पुराने एरिया में था ये, तो इसको रिलोकेट करने का एक यही था कि हमारे और भी और जो पब्लिक है उसको सर्व करने के लिए दो पोस्ट ऑफिस और हैं नजदीक में, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ पे सेटअप किया। जैसे इलाके की बात करें, जैसे कि मीठापुर जो है, मीठापुर पूरा मीठापुर। अच्छा।